नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल टेक्निकल हेल्प पर। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घर पर कोई छोटी पार्टी रख लेते हो और दोस्तों ऐसे में आपका होम थिएटर खराब हो जाए तो दोस्तों आप तब क्या करोगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने पार्टी में आए हुए लोगों की मोबाइल की मदद से अपना एक छोटा सा होम थिएटर तैयार कर सकते हो। अगर दोस्तों आप उस होम थिएटर को तैयार करने के बाद उन फोन को अलग अलग कॉर्नर पर रखोगे और तब आप गाना प्ले करोगे दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में 3D साउंड सुनाई देंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप जो भी गाना अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले करोगे वो दोस्तों आपके सभी दोस्तों के मोबाइल फ़ोन पर प्ले होगा। और ये दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर गए हो, कहीं पर पार्टी में गए हो, कहीं बाहर आप घूमने के लिए दोस्तों, तब आपका मन करता है कि आप म्यूजिक बजाएं, ऐसे में आपके फ़ोन की वॉल्यूम कम होती है, तब दोस्तों आप इस ऐप का यूज कर सकते हो। और दोस्तों जो भी गाना आप अपने फ़ोन पर प्ले करोगे सेम टाइम में दोस्तों वो गाना आपके सभी दोस्तों के मोबाइल फ़ोन पर एक साथ बजेगा और दोस्तों आपकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छी आपको सुनाई देगी दोस्तों। सेम टाइम पर सभी फ़ोन में एक ही गाना चलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों उसके बाद आपको बेल का आइकन दिखाई देगा, आप उसको भी दबा दीजिए दोस्तों, इससे हमारी आने वाली टेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है और टाइप करना है एम्पमी। दोस्तों यह है एम्पमी की एप्लीकेशन, आप इसका आइकन ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों जिस भी फ़ोन पर आप एक साथ गाने प्ले करोगे उन सभी फ़ोन पर इस एप्लीकेशन का इंस्टॉल होना जरूरी है, तभी ये वर्क कर पाएगी। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, अब आप इसको स्किप कर दीजिए। दोस्तों आपको अपनी लोकेशन और उन सभी फोन की लोकेशन ऑन करनी होगी। अब दोस्तों ये तो आप अपनी जो फोन गैलरी में सॉन्ग है वे सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप यूट्यूब पर भी कोई भी गाना सर्च कर सकते हैं और वो गाना यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ आपको YouTube का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको म्यूजिक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक गाना सर्च कर लेता हूँ। चलिए मैं अपना YouTube ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम कोई नो कॉपीराइट सॉन्ग सर्च करते हैं। ये ओपन हो गया YouTube। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ नो कॉपीराइट सॉन्ग। देख फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए, तो चलिए मैं ये गाना प्ले कर लेता हूँ। अब दोस्तों सभी फ़ोन को आपकी जो ये आपकी एप्लीकेशन है वो सभी फ़ोन में आपको ओपन कर लेनी है। दोस्त जो इमेज आपके फ़ोन पर आएगा वो सभी इमेज यहाँ पर आपके सामने दिख जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स जो इमेज मेरे फ़ोन पर है म्यूजिक का, वो इमेज भी यहाँ पर आ चुका है सभी फ़ोन पर। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना ज्वाइन पार्टी पर, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों आप पार्टी में ज्वाइन हो जाओगे। देखिए फ्रेंड्स दोस्तों जब भी आप अपने एक फ़ोन को गाना प्ले करोगे दोस्तों वो गाना आपके सभी फ़ोन पर प्ले होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये गाना प्ले है। अगर मैं इसको पॉज कर देता हूँ तो दोस्तों सभी फ़ोन पर ये गाना पॉज हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख चुका है। अब मैं दोबारा फिर प्ले करता हूँ दोस्तों, ये गाना फिर दोबारा प्ले हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।